भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, आपने ग्रीन स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाए हैं BIS ने, किन किन क्षेत्र में ये ग्रीन स्टैंडर्ड्स आपने तय किए और कैसे ये लागू होगा, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? ग्रीन स्टैंडर्ड से हमारा आशय है कि ये स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मीन्स ये कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हमने नहीं बनाया, चाहे वो सिविल वर्क्स हो, कंस्ट्रक्शन का फील्ड हो, एग्रीकल्चर का फील्ड हो, मैकेनिकल अप्लायंसेज हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो, रिन्यूएबल एनर्जी के जो हमारे सोलर विंड एनर्जी के हैं एरियाज, तो चाहे स्मार्ट ट्रांसपोर्ट के फील्ड में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरी स्वैपिंग एट्सेट्रा, ये सारे स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हैं और उनकी डिटेल्ड मैपिंग भी अब हम लोग कर रहे हैं। आपको जैसे मैंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 11 मिशंस के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इन सभी 11 मिशंस के अगेंस्ट में हम स्टैंडर्ड्स की मैपिंग कर रहे हैं और ताकि मिनिस्ट्रीज को भी उनके बारे में जानकारी हो और मिनिस्ट्रीज के साथ डिस्कस करके ये भी पता लगाया जाए कि और किन किन नए एरियाज में हम काम कर सकते हैं। सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है आपने कही कि एयर कंडीशन का हमारे देश में इस्तेमाल बहुत बढ़ रहा है, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, हर 15 सेकंड में एक एसी बाजार में बिक रहा है, तो ऐसे में एसी को कूलिंग प्लान लेकर भी कुछ आ रहे हैं, वो क्या प्लान है जी? एक हमारी सरकार का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसको नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान कहते हैं। उसका पर्पस ये है कि ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है इन डिफरेंट एरियाज में, उनको आइडेंटिफाई किया जाए ताकि एयर कंडीशनर्स के भी यूज को कम किया जाए और जो हमारी टेम्परेचर राइज की प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल किया जाए। तो हमने नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान के अगेंस्ट में भी अपने स्टैंडर्ड्स को एग्जामिन करना शुरू किया है कि हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया है, उसमें सिविल इंजीनियरिंग को भी काम करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भी काम करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी काम करना है, तो ये एक ज्वाइंट ग्रुप्स बना के वी आर ट्राइंग टू identify the areas for standardization. सर, दो और अहम बातें आपने कही, एक तो ऑर्गेनिक फूड, जो अगर आप देखें ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक फूड बड़ा कल्चर चला हुआ, लेकिन आपने एक बहुत अहम जानकारी दी कि जो लेवलिंग हो रही है वो अभी BIS ने वो तय नहीं किए हैं, या जो लोग अभी कर रहे हैं कि वो प्रोसेस का आप लेवलिंग करते हैं, क्या है थोड़ा इसके बारे में बताएं? हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का या फूड का जो स्टैंडर्ड है वो प्रोसेस का स्टैंडर्ड है कि हम कब कहेंगे कि ये जो फार्मिंग है वो ऑर्गेनिक तरीके से की गई है, और लेबलिंग भी इसी की होती है। प्रोडक्ट्स को हम अभी तक सर्टिफाई नहीं करते, हमारा कोई प्रोडक्ट स्टैंडर्ड नहीं है कि ये। बड़ी हैरानी की बात है कि बाजार में ऐसे धड़ल्ले से प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं जो खुद को कहते हैं कि ऑर्गेनिक फ्रूट है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल है, जो और भी खाने के आइटम्स है, सब में लोग दावा करते हैं कि ऑर्गेनिक और लेबलिंग भी रहती है। हमारा तो स्टैंडर्ड नहीं है, तो उसके लिए सर क्या करेंगे? इस तरीके जो चीजें बिक रहे उसके लिए भी BIS उसके लिए जो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है, आप जानते ही हैं हमारी जो FSSAI है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो दे मस्ट बी डूइंग समथिंग, वही बता पाएंगे मुझे। पॉलिथीन को लेकर भी सर आपने कहा कि बायोडिग्रेडेबल लोग लिखते तो जरूर हैं, बट वो BIS ने सर्टिफाई नहीं किया, जबकि ऐसे सर बहुत सारे पॉलिथीन भी उसमें मैंने ये बताया कि चूंकि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का स्टैंडर्ड नहीं है और अभी इस पर रिसर्च चल रहा है, इसलिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये बात कहा कि इस तरह का कोई सर्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, और अगर कोई क्लेम करता है तो हमारी समझ से तो सही क्लेम नहीं करता। एक आखिरी सवाल सर, 5 सालों के लिए आपने कहा कि 22 से 27 तक कुछ प्लान आपने तैयार किया, वो क्या प्लान है और उस पर कैसे BIS काम? उसको हम स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान 22-27 कह रहे हैं। बेसिकली ये प्लान सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री, एकेडेमिया, सबसे बात करके बनाया गया, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि अगले 5 साल में हमारी इकोनॉमी की जो नीड्स हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, उसको देखते हुए हमें किन किन एरियाज में नए स्टैंडर्ड्स बनाने की जरूरत होगी, तो हमने इस प्लान के थ्रू उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया है। ये थे DG BIS, और इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से देश की जरूरतें बढ़ रही है, यही वजह है कि तमाम क्षेत्रों में अगले 5 साल के लिए BIS एक्शन प्लान तैयार की है और तमाम मंत्रालयों के साथ मिलकर इसे अमल करने पर काम कर रही है। ब्रजेश चेतन के साथ सुमंत कुमार, TV9।